भारत के अजीब डिश जिनके बारे में जानने के बाद आप कहेंगे कैसे खाते होंगे लोग इन्हें। दोस्तों, आपने आज तक ऐसी डिशेज का टेस्ट लिया होगा जो आपको किसी भी फूड या स्टॉल, कैफे, रेस्टोरेंट में मिल सकता है और आसानी से आप उन्हें खा भी सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसी डिश खाना पसंद करेंगे जिन्हें चींटियों के अंडों से बनाया जाता है या सुअरों के मांस से तैयार किया जाता हो? अगर हाँ तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भारत में से कई डिशेज बनाई जाती है जिनके बारे में सोचते ही लोग चटकारे भरने लगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत में कुछ जगहों पर अजीबोगरीब व्यंजन बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। इनके बारे में जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे और इन व्यंजनों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए जानते हैं भारत में खाए जाने वाले उन अजीबोगरीब खानों के बारे में जिन्हें देखने मात्र से आपको घिन आ जाएगी। सबसे पहले डिश है वो है जादो डिश, जो तो मेघालय के खांसी समुदाय का एक प्रमुख लोकप्रिय व्यंजन है, जिसके खूबसूरत रंग और खुशबू को महसूस करते ही भूख लगने लगती। जादो मुख्य रूप से लाल चावल होता है जो पोर्क, चिकन या मछली के साथ पकाया जाता है। जायका बढ़ाने के लिए इसमें ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने के लिए पहले हरी मिर्च, प्याज, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और तेज पत्तों का मिश्रण बनाया जाता है, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को साथ में तला जाता है। बाद में इसे लाल चावल जादो मिलाकर पकाया जाता है। अपनी पसंद के अनुसार इसे आप पोर्क, चिकन या मछली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाएंगे आप जादो डिश? अब कहिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगली डिश का नाम है चपरा है। चपरा डिश को बनाने के लिए आम, अमरूद और साल के अन्य पेड़ों में जिनमें मिठास होता है उन पेड़ों से ये चींटियां अपना घरौंदा बनाती है। आदिवासी एक पात्र में चींटियों को एकत्रित करते हैं, इसके बाद इनको पीसा जाता है और इसके बाद नमक मिलाकर या फिर रोटी के साथ इन्हें खाया जाता है। चींटी में फार्मिंग एसिड होने के कारण इसे बनी चटनी चटपटी होती, इसमें प्रोटीन भी होता है। वैसे आप इस डिश के बारे में सुनकर ही छींक करने लगेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत से लोगों को तो इस भोजन का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। छत्तीसगढ़ के लोग लाल चींटियों के साथ तीखी और मसालेदार चटनी खाना पसंद करते हैं। साथ ये लोग गार्निशिंग के लिए भी लाल चींटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, तैयार है आपकी चटनी की चींटियां, ना चींटियों की चटनी। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते का मांस। वैसे डॉग लवर्स को डॉग मीट के बारे में सुनकर बेहद गुस्सा रहा होगा, लेकिन आपको बता दें ये डिश भारत के नागालैंड में ऐसी जगह पर है जहाँ पर बकरी, सुअर, केकड़े और हाथी का मांस खाया जाता है। इन सब के अलावा यहाँ पर कुत्ते का मांस को भी कई तरीके से बनाकर इसका सेवन किया जाता है। आपको बता दें ये डिश आदिवासियों को बेहद पसंद आती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि कुत्ते का मांस खाने से शरीर को उच्च पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और कई बीमारियों से लड़ा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली और आखिरी डिश है बेबी शार्क करी। बेबी शार्क करी को भी हमारे अजीबोगरीब खाने की लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे। अगर आप इस भोजन का टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गोवा आना पड़ेगा। बेबी शार्क करी गोवा के मशहूर व्यंजनों में शामिल है। अगर आपको नॉन वेज बहुत पसंद है तो आप इस डिश का टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये डिश काफी महंगी होती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ अजीबोगरीब डिश जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें देखने के बाद एक बार आपको चाइना की याद जरूर आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।